डेली न्यूज 360.com की ओर से पेश है अरुणाचल प्रदेश की बड़ी खबर। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की एक रिपोर्ट के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश में हाल के दिनों में सीमा पार से घुसपैठ एक चूक थी, जो कि कुछ श्रमिकों द्वारा की गई थी और इसमें चीनी सैनिक शामिल नहीं थे। ये परिषद सुरक्षा से जुड़े मसलों पर प्रधानमंत्री को परामर्श देने वाला एक शीर्ष निकाय है। सूत्रों के मुताबिक श्रमिकों के समूह को निर्माण कार्य सौंपा गया था और भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP का सामना होने से पहले समूह में शामिल लोगों को यह पता नहीं था कि वे भारतीय सीमा क्षेत्र में आ गए थे। सूत्र ने बताया कि समूह में चीनी सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी की कोई संलिप्तता नहीं थी। बता दें कि LAC से सटे ऊपरी सियांग जिले के बिशिंग क्षेत्र में घुसपैठ हुई थी, जहां दोनों देशों के बीच कोई स्वीकृत सीमा नहीं है।